बिहार में सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहने पर हाय तौबा खूब मच रही है, जिसको लेकर अल्पसंख्यक बहुल जिलों को खूब टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के छोटे मझोले नेता इस बहाने से मीडिया में चेहरा चमकाने लगे हैं, वहीं मीडिया को भी एजेंडा पुल करने का खजाना मिल गया है। स्कूलों पर राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। झारखंड के गढ़वा से मामला शुरू हुआ और बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मामला अटक पड़ा है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिलों के दर्जनों स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है, जो दशकों से चला आ रहा है। इसको लेकर किसी तरह का विभागीय दिशा निर्देश नहीं है। इन स्कूलों के टीचर और विभाग के जुड़े अधिकारी भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस तरह की परिपाटी होने से आंखों में चुभना स्वाभाविक है। देखिए, इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी इसके नियम है, उस नियम का पालन होना चाहिए, नहीं हुआ तो पालन होगा। कटिहार जिले में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहां पर स्थापना काल से ही शुक्रवार को छुट्टियां रहती हैं। वहीं फॉरविसगंज में भी ऐसे दर्जन भर स्कूल हैं जहां पर भी ऐसा ही सिस्टम लागू है। इसके अलावा किशनगंज जिले में दर्जन भर स्कूलों में शुक्रवार को ही छुट्टी होती है, जिसको लेकर कभी कोई विवाद सामने नहीं आया है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जो भी नियमानुसार होगा उसी हिसाब से छुट्टियां मिलेंगी। अधिकांश प्रखंड में पाया है कि हिंदी विद्यालय है जो शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को संचालित रहता है। वो माइनॉरिटी बहुल इलाका में है, उसमें अधिकांश बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं और वह अपने स्थापना काल से मोटा मोटी 50 साल 60 साल से वह विद्यालय जो है शुक्रवार को बंद रहता है। तो उसमें हम डाटा अभी ले ही रहे हैं कि कितने विद्यालय हैं, एग्जैक्ट देख रहे हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से। वह जहाँ जानकारी हमको प्राप्त हुआ है, बच्चे वहाँ 99% कहीं 100% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं। वहाँ 90% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं और ये बहुत दिनों से 50 साल 60 साल 1947 से 50 से 1960 से यह विद्यालय चल रहा है। अब जानते हैं छुट्टियों का इतिहास क्या है। 10 जून 1890 को अंग्रेजी हुकूमत ने रविवार को छुट्टी का दिन मुकर्रर किया था, जिसके बाद भारत में रविवार को छुट्टियों का दौर शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था यानी ISO ने 1986 में रविवार को छुट्टी की मान्यता दी थी। उससे पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भी सबसे पहले ब्रिटेन के स्कूलों में रविवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। वजह यह बताई गई थी कि बच्चे इस दिन घर पर आराम करें और कुछ कुछ क्रिएटिव काम करें। धीरे धीरे यही नियम भारत में भी लागू हो गया, जबकि खाड़ी के देशों में शुक्रवार को ही छुट्टी रहती है। इस तरह से देखा जाए तो छुट्टियों का धर्म व मजहब से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सुविधा से जुड़ा मामला है। देखिए, इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी इसके नियम है, उस नियम का पालन होना चाहिए, नहीं हुआ तो पालन होगा।